अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो व्यूअर्स। आज है वुमेन्स वर्ल्ड डे और इसका आपको पता तो लग गया होगा, औरत के बारे में बात है। और वो ये है कि औरत को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। एक वक्त था, ज़माने जाहिलियत में ये होता था, औरत को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था उसका कि ये काम करेगी, ये ऐसे करेगी। आपको औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, और जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त दिलवाई कि उसका ये राइट है कि उसके रिस्पेक्ट की जाए, उसका मजाक ना उड़ाया जाए, उसको डी वैल्यू ना किया जाए, उसको डीमोटिवेट ना किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में इर्द गिर्द तमाम औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, वो इज़्ज़त दें। अच्छा, होता ये है कि हमारा सिर्फ ये कहने का मकसद नहीं है कि एक मर्द ही औरत को इज़्ज़त दे, औरत भी औरत को इज़्ज़त दे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि औरत भी औरत को इज़्ज़त नहीं देती है, तो बाकी मर्दों से हम इज़्ज़त की क्या बात करेंगे कि जब एक औरत ही औरत को रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो अपनी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी हैं वो आपस में एक दूसरे को इज़्ज़त दें, ताकि बाकी लोग देखें कि आपस में इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं तो हमें भी इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आज क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, तो इसीलिए इस चीज़ पे गौर करें, देखें, पढ़ें, और जिसमें कुरान पढ़ें उसमें देखें कि औरत के क्या राइट्स हैं, उसमें देखें कि औरत के क्या फ़राइज़ हैं। औरत को भी चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ और हकूक़ का ख्याल रखे और देखें कि उनके क्या राइट्स हैं और उनके क्या फ़राइज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज हम हैं बाग़े जिना में, लॉरेंस गार्डन में, और इस वक्त मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ। मैंने कहा कि चलें यहाँ से ज़रा हम स्टार्ट करते हैं बात आज की प्रोग्राम की। तो सवाल हमारा आज का ये है कि फूलों की कितनी, गुलाब के फूल की कितनी किस्में होती हैं, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द बड़े फूल नज़र आ रहे थे प्यारे से, तो मैंने कहा चलें ये सवाल निकालते हैं कि जो गुलाब का फूल है उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो गुलाब का फूल जब आप किसी को देते हैं तो एक अलग ही वाइब होती है फूलों की। कुछ लोग कहते हैं फूल दे के क्या ये टाइम वेस्ट होगा, फूल क्या दें, तो फूलों से जो है वो एक अलग अच्छी सी वाइब पैदा होती है, अगला बंदा खुश हो जाता है, तो देने चाहिए। तो हमने ये सवाल निकाला है कि गुलाब के फूलों की कितनी किस्में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। क्या करते हैं हैदर साहब? गोल्ड का काम करते हैं। गोल्ड का काम, तभी आपकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है? जी जी, हमारी ज़िंदगी में। तो आप मुझे बताएं, शादीशुदा हैं? जी जी। बहुत अच्छी बात। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं बागे जिना में? बस वैसे घूमने फिरने आए। घूमने फिरने आए हैं, लग रहा है आपका लाहौर से ताल्लुक नहीं है। जी जी, मैं मियाँ चन्नू से हूँ। मियाँ चन्नू से आए हैं। खुशी की बर्फी जी जी लाए हैं? जी लाए हैं, दोस्तों को दी है। दोस्तों को दे दी है, तो हमारा हिस्सा कहाँ? आपको भी ला के देंगे। अच्छा, चलें मुझे बताएं, हम तो ऐसे ही अक्सर मजाक कर देते हैं, छेड़ देते हैं, तो आप बताएं कि हमारा आज का सवाल है, गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं, और क्या कभी आपने गुलाब का फूल किसी को दिया है बेगम के अलावा, या बेगम को भी दिया है? नहीं, मेरी तो शादी जो हुई ना वो घर वालों ने की है। ठीक है। मैंने बेगम की शक्ल ही पहली रात को देखी थी। फिर क्या अफसोस हुआ कि बहुत खुशी हुई? बहुत खुशी है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेगम की सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती है? अच्छी आदत ये लगती मुझे कि मेरे वालदैन की वो बहुत इज़्ज़त करती है, और मेरे बहन भाइयों की मेरी मतलब के बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल मुझे बताएं कि ये गोल्ड का बिज़नेस करना चाहिए? जी क्यों नहीं करना चाहिए, सही बिज़नेस है ये। सही है जी, लेकिन इसमें तो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट डलती है ना? जी जी। आपको याद है आपने पहले दिन कितना इन्वेस्ट किया था, या आपका कारोबारी मतलब ख़ानदानी बिज़नेस है? ख़ानदानी हमारा। अच्छा, ख़ानदानी। आपने फिर प्रॉपर काम सीखा? जी काम सीखा। ठीक है, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल हमारा वहीं रह गया कि गुलाब की कितनी किस्में हैं, गुलाब के फूलों की कोई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप? ये मुझे इल्म नहीं है, काफ़ी किस्में हैं वैसे तो। काफ़ी किस्में हैं, बता दें कोई 30, 20, 40, 100? ये आइडिया नहीं मुझे, बस ये पता है कि एक वाइट कलर का भी होता है, सुर्ख रंग का भी होता है, ऐसे होते हैं मतलब। ठीक है जी, कोई पैगाम देना चाहते हैं हैदर साहब? जी कोई पैगाम नहीं है। ये आपके जो दोस्त खड़े हुए हैं लाहौर से, ये एक सियालकोट से, एक जड़ावाला से। अच्छा, लाहौर का कोई दोस्त नहीं? जी कोई नहीं, सबने डिसाइड किया कि लाहौर चलते हैं घूमने फिरने। हाँ जी। यहाँ पे रह रहे हैं कहीं पे लाहौर में? जी जी रह रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपका बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच।
व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने इनसे बात की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। इनके जो दोस्त वगैरह आए हुए थे वो भी मुख्तलिफ शहरों से आए थे कि चलें लाहौर चलते हैं, एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। वैसे ट्रिप जो है ना वो होना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो निकलें, ज़रा टाइम निकालें, अगर आपका बजट इतनी इजाज़त देता है तो ज़रूर पाकिस्तान के शहरों को एक्सप्लोर करें। चलें बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताएँगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम होता है आप? मेरा नाम हसन है। हसन, क्या करते हैं आप? मैं ट्रैवलिंग का काम करता हूँ। ट्रैवलिंग करते हैं आप, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आप? ट्रैवलिंग का काम करता हूँ, मेरा काम हज उमरे का। ठीक है। अच्छा, खुद भी गए हैं आप? जी जी। बहुत अच्छी बात। अभी बागे जना क्या करने आए? बागे जना दोस्तों के साथ घूमने आए। दोस्त लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हजरत अली का फरमान है कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता। आपको लगता है आजकल के दौर में किसी का कोई दोस्त नहीं होगा? नहीं, दोस्त होते हैं। देखिए, मुखलिस दोस्तों को जो आपको मिलता है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत। मुखलिस दोस्त की निशानी क्या होती है? वो आपका हमदर्द होता है, आपके दुख सुख में साथ होता है। ठीक है, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं होता, तो ये मुखलिस दोस्त की निशानी होती है, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है और किसी को पैसों की ज़रूरत है और वो सिर्फ आपको मॉरल सपोर्ट कर दे तो फिर? देखिए, मुखलस दोस्त जो होता है ना, उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं होती कि मुझको इस चीज़ की ज़रूरत है। उसको पता होता है कि यार मेरा दोस्त टफ टाइम से गुजर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कभी ऐसा टफ टाइम आया? आया नहीं है इंशाल्लाह। आज से 11 साल पहले ना मैं जब गया था ना सऊदी अरब, तो काफ़ी टफ टाइम से गया था। कभी किसी से पैसे लो, कभी किसी से लो। तो मेरा एक दोस्त है अली, तो उसने मेरी उस वक्त सपोर्ट की थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वेल सेटल्ड हूँ, हर चीज़ है दुनिया की। यानी कि अली जो है वो उस वक्त सपोर्ट बने आप? जी जी, मेरी सपोर्ट बने थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों लोगों को भेजते हैं उमरे पे, हज पे, विज़िट वीज़ा दुबई का हो, थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का, बहरीन का, ओमान का, किसी भी कंट्री का हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लंदन का वीज़ा लगवा देते हैं आप? नहीं नहीं, झूठी बात नहीं करते, लंदन का नहीं लगवा सकते। लंदन का वीज़ा इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल नहीं होता है, इजीली होता है। देखिए, उधर से कोई आपको स्पॉन्सर करता है ना, तो आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, लंदन के वीज़े जो होते हैं ना, विज़िट वीज़ा दो तीन कैटेगरी में आते हैं। एक स्टडी वीज़े में आता है, ठीक है, तो एक उधर का आता है आपका विज़िट जो आपको स्पॉन्सर करता है ना, तो आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी इसी काम में ही हैं और मुतमईन हैं अपने काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सवाल है आज का, चूँकि हम बागे जना आए हुए हैं, बाहर का मौसम भी शुरू हो गया, बड़े प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं, गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं? तकरीबन मेरे अंदाजे से 6-7 होते हैं। 6-7 नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कभी दिया आपने गुलाब का फूल? नहीं दिया। अपनी वाइफ को दिया। वाइफ को दिया? कौन सा ऐसा मौका था? वैसे मैंने देखा है जो मर्द हजरात हैं, शोहर हजरात, ये तो मुश्किल से ही बेगम को फूल देते हैं। नहीं नहीं, मैं जब भी जाता हूँ घर इंशाल्लाह, कभी भी, तो इंशाल्लाह मैं लेकर जाता हूँ उसके लिए। अभी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा बेसिकली मैं सियालकोट से हूँ, लेकिन लाहौर में भी रहता हूँ, और लाहौर में भी अपनी जगह। सियालकोट की मैं अक्सर यूट्यूब पे और वीडियोस देख रही होती हूँ, फेसबुक वगैरह पे, तो बड़ी अच्छे मज़े के खाने चल रहे होते हैं। हम तो समझते हैं लाहौर में ही बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। जो विलेज फूड सीक्रेट का ऑनर है ना, मुबशर सदीक, बेसिकली वो हमारा हमसाया, जो कहते हैं ना खाना जिसका बाप कहता है जिंदाबाद मुबशर, मज़ा आ गया। वो जितने भी यूट्यूबर हैं, मुकल्लफ राजपूत है, वो मेरा दोस्त है, तो वो उधर के ही हैं जितने भी। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को? हाँ, मैं लव यू कहना चाहूँगा उनको, और थैंक यू, तो आप मेरी ज़िंदगी में आए। तो दोस्त यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी। हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन, ऐसा ही है। क्या बात है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत कहना चाहता हूँ, लाहौर न्यूज़ है जी जी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इधर मैंने देखा माशाल्लाह, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी मज़े की वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की, सियालकोट से इनका ताल्लुक था और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिन शाह। मोमिन, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली ICS किया हुआ और BCS कर रहा हूँ आगे। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स है, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, अभी बागे जना में क्या करने आए हैं? सैर करने आए हैं। सैर करने आए हैं, कभी वॉक की नीयत से भी आए हैं यहाँ पे? नहीं, वॉक की नीयत से। वॉक की नीयत से नहीं आए हैं। वॉक बड़ी ज़रूरी है, ये बुढ़ापे में जाके हमें पता लगेगा। अच्छा, बताएं मुझे कि गुलाब की कितनी किस्में हैं, गुलाब के फूल की?
गुलाब की किस्में काफ़ी हैं इसमें। जैसे कि कोई नंबर आइडिया हो आपको, बागे जना आप आए ना, बड़े प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं इसमें। पिंक रोज़ होते हैं, येलो रोज़ होते हैं, और मैं नंबर पूछ रही हूँ, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, ये कंफर्म नहीं है। नहीं आपको? अच्छा, कभी किसी ने किसी को दिया आपने कोई गुलाब का फूल किसी रंग का? नहीं, कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? फूल देना तो बड़ा एक खूबसूरत जेस्चर होता है, बड़ा अच्छा इशारा होता है। कभी मौका ही नहीं मिला। मौका? कभी अम्मी को फूल नहीं दिया? कभी बहन को नहीं दिया? नहीं दिया। कभी किसी लड़की को जो पसंद आ गई हो? नहीं, कभी नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ शेर सुनाना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता। सहमे हुए लग रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं सहमा नहीं हूँ। अच्छा, धूप पड़ रही है आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपने देखा, हमने इनसे बात की। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से मुझे ज़बरदस्ती बात निकलवानी पड़ती है कि आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इसका नाम मरियम है, मेरा नाम अरूज है। अच्छा, उसका नाम मैं खुद ही पूछ लेती हूँ उससे। आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम, मरियम मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? नाइसली लर्न। आप कौन सी क्लास में हैं? वन ब्लू। क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर। और आप? फौजी। फौजी बनना चाहती हैं? गन चलाएंगी? हाँ। अच्छा, चले, आपको पता है फौजी क्या करते हैं? गन होती है उनके पास। मरियम कंफ्यूज हो गई। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा जो है वो सवाल रहने देते हैं आपसे, हम बातें करते हैं। मुझे बताएं कि दोनों जो हैं वो आज क्या सुनाने वाली हैं कैमरे पे? पोइम सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबव एंड ओवर सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। चले मरियम, आप क्या सुनाएंगी? फलों का वास्ता। ओके। फलों का वास्ता खिलाता हूँ, गर्मी के मौसम में आता हूँ, जायके में खट्टा मीठा हाँ बातों में है कुछ कान, जो भी जैसे इसको लंजाए बिना खाए फिर रह ना पाए। वेरी गुड, क्लैपिंग कर लीजिए। अब दोनों अपने लिए क्लैपिंग करें। आप बताएं कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मिस सुमेरा। और आपकी? मिस सामना। मिस सामना और मिस सुमेरा, अच्छा पढ़ाती हैं वो? यस। प्यार करती हैं आपसे? यस। क्या बात आपको सबसे अच्छी लगती है मिस सुमेरा में? कि वो हमसे प्यार करती हैं। अच्छा अच्छा, प्यारा से तैयार होकर आती हैं। Yes. प्यारी लगती हैं आपको? यस। Yes. आपको प्यारी लगती है मिस सामना? यस। Yes. उनमें क्या अच्छा लगता है आपको? हमसे वो प्यार करती हैं। आपसे प्यार करती हैं, यानी कि बच्चों से जो है वो प्यार करना चाहिए। अभी आप लोग किसके साथ आए हुए हो? उनके साथ। फैमिली के साथ? मामा पापा के साथ आए? यस। आमना को मामा अच्छी लगती हैं या बाबा मरियम को? मम्मा। मम्मा अच्छी लगती हैं, बाबा नहीं अच्छे लगते? हाँ अच्छे लगते हैं वो भी। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? दोनों। दोनों, आप दोनों बहने हो? ना, हम कजिन्स हैं। कजिन्स हैं, अच्छा चलें। तो आज आप लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या करना है, क्या क्या चीज़ें खानी है आज? हम चिड़िया खाएँगे आज। चिड़िया? बचपन में व्यूअर्स हमें भी याद है, हम भी कहते होते थे चिज्जी लेने जा रहे हैं मम्मा। तो आप मरियम ने क्या खाना है आज? चिज्जी। चिज्जी खानी है। कितने पैसे मिलते हैं मरियम को? पॉकेट मनी कितनी मिलती है? हमारे पास चिज्जियाँ हैं, लेकिन हमने होटल में जाके खानी है। होटल में जाके खाएंगी? और आप भी? अच्छा, होटल में तो अपना खाना मिलता है, वो होटल वाले खाना देते हैं। हम आप अपना खाना खा लेंगे, बच्चे चिड़िया खा लेंगे, बड़े होटल वाला खाना खा लेंगे। अच्छा, बड़े होटल में खाना खा लेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। अब आप इंजॉय करें, ठीक है, शरारत नहीं करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू मरियम, लाफिस। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्चियाँ थी, तो इन्होंने कहा कि हमने बात करनी है, तो हमने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं, बच्चे भी तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर म्यूज बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान लौरियां। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं आज बागे जिना में, उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस बताना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, इसमें ये है कि हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का, ये प्लांट्स वगैरह जो लगते हैं ना, जैसे जहाँ से आप साफ पानी पीते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि लाहौर का पानी तो बहुत गंदा है, हालांकि एक वक्त था कि जब लोग नलकों से ही पानी पी लेते थे, और आजकल भी वैसे पी लेते हैं, लेकिन अब वो कम हो गए हैं लोग। उसमें ये देखिए ना कि जब से पोल्यूशंस बनी है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है, तो वो जो पानी वेस्ट वाटर है वो ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से वो जो ज़मीन के अंदर पानी है उसमें पोल्यूशन हो जाती है। फिर दूसरा जो सोर्स है वाटर का, हमारे घरों तक जो पानी की लाइंस होती हैं वो ड्रेन सिस्टम के साथ होती हैं, यानी सीवरेज सिस्टम पैरेलल जा रहे होते हैं, तो सिपेज से भी मिक्स होता है, ये वजह है बेसिकली। नहीं, लेकिन जब हमारे घरों में पानी आता है, अगर हम उसको हाथ में देखें, तब तो वो साफ लग रहा होता है। देखिए, जो फिर जरासीम वगैरह बन जाते हैं ना पानी के अंदर, जब सीपेज होती है वो मिक्स होते हैं, वाटर सीवरेज जब पैरेलल जा रहा होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ पे तो इतने वाटर प्लांट्स बन गए हैं, आपके प्लांट में क्या स्पेशलिटी है? प्लांट्स एक ही होते हैं, बेसिकली चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट प्लांट्स लगाती है ना, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। अच्छा। वो लगवा लेते हैं, इसमें ज़रूरी फैक्टर मेंटेनेंस का है। जब मेंटेनेंस नहीं होगी, आप चाहे 10,000 लगवा लें प्लांट्स, वो फंक्शनल नहीं हो रहेंगे। उस कम लगाएं, क्वांटिटी कम रखें, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पूरी रखें, प्लांट सभी। ये जो अक्सर फिल्टर से पानी भर के लाते हैं कि हमें हमारे घरों में क्या जाता है, जाओ फिल्टर से पानी भर लाओ, तो वो साफ़ होता है? बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम मैंने बताई है ना कि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसको ऑयल चेंज करेंगे, मेंटेनेंस कराएंगे तो वो चलेगी ना। अगर वो आप ऐसा नहीं करेंगे, उसकी वो चीज़ें नहीं पूरी करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, बाग जना में आए हुए हैं आप, अभी क्या करने आए हैं? अभी तो आप देख वॉक के लिए आए हैं? के लिए वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं? वो वॉक ही करते हैं। वॉक कितनी ज़रूरी है? वॉक बहुत ज़रूरी है जी, एक हेल्दियर लाइफ के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। फिर इन्वायरमेंट अच्छा है, फिर हम लोग बहुत लकी हैं कि लाहौर के मिड ऑफ द सिटी ऐसा हमें एक बाग मौजूद है जिसमें हम आ सकते हैं, सैर कर सकते हैं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो कोई अराउंड 25 साल से। 25 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होगी, लाइक पहले कैसा था, आप कैसा है, क्या चेंजिंग्स आ गई हैं अब? नहीं, बेटरमेंट तो आई है पहले, जब से मेरे ख्याल PHA वालों ने ऑक्यूपाई किया है तो थोड़ा बेटर हुआ है। जैसे अब आप देख लेंगे, जेंटलमैन खड़े हैं PHA की तरफ से एक, तो इनको भी उन्होंने हायर किया हुआ है, जो टूरिज्म को भी आगे फ्रॉम। आपके बाद हम इनसे बात करते हैं। अब हम आपसे करेंगे एक सवाल, मुझे बताएं कि ज़ाहिर है यहाँ पर आते हैं, फूल भी लगे होते हैं यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे, तो सवाल हमारा ये, वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में मुरझा जाता है और रात में खिल जाता है? चमेली। बिल्कुल सही जवाब, आपने तो टाइम ही नहीं दिया, फौरी जवाब दे दिया। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि हमें ज़्यादा अपने जो नई नस्ल है, बजाय वो कैफ़े में बैठते हैं जाके, उनको पार्क्स या ग्राउंड्स की तरफ लाएँ, ताकि नई नस्ल बेहतरी की तरफ आ सके। आजकल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घरों में बैठ के और मोबाइल वगैरह यूज़ करके एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा यंगस्टर्स को नहीं मिल रहा, और ज़्यादातर मुझे लगता है जो यंग बच्चे हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन है। डेफिनेटली, अब आप इसको यूज़ करेंगे इन डिवाइसेस को, तो इसका जो गलत यूज़ है वो कॉज कर रहा है ये सारी चीज़ें। अदरवाइज लोग पहले ग्राउंड्स में जाते थे, स्पोर्ट्स में बच्चों को लाते थे, अब वो ग्राउंड्स चूँकि अनफॉर्चुनेटली कम हैं। लेकिन हम अगर माओं से बात करें तो वो कहती हैं कि अब हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चों को बाहर निकाला जाए, चाहे वो छोटी बच्चियां हैं या बच्चे हैं। डेफिनेटली, जब से दुनिया बनी है, देखें क्राइम तो तब से ही है, वो तो सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट का भी काम है, पेरेंट्स का अपना भी काम है कि वो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें, बच्चों को हेल्दियर एक्टिविटीज़ में लेके जाएँ, उनको प्रोटेक्ट भी खुद भी करें। तो ये चीज़ें रुक नहीं सकती, क्राइम हर एक माशरे में है, चाहे वो अमेरिका है या पाकिस्तान है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई, वाटर प्लांट्स के बारे में बताया कि जो हमारे इर्द गिर्द वाटर प्लांट्स लगे होते हैं उसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, तो ही वो फ़ायदेमंद पानी है, वरना आप एक गंदा पानी पी रहे हैं। तो अगर आप नहीं, मेरा ख्याल है कि अफोर्ड कर सकते, आप एक पानी नहीं खरीद सकते, बॉटल्स नहीं मंगवा सकते, तो आप उसको बॉयल कर लें। आई थिंक वो भी तरीका शायद यूट्यूब पर भी मौजूद होगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो देखें कि उसमें क्या डाला जाता है, या वैसे ही बॉयल करें तो वो ठीक हो जाता है। तो घर में आप मौजूद है, गैस भी है, पानी भी है, देगची भी है, उसमें पानी उबालें और बॉइल करके पी लें, ये ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करके देखते हैं आज वो क्या बताएंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर मोहम्मद। क्या करते हैं सर आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अच्छा, जो गाड़ियाँ? जी जी, माल लोडिंग अनलोडिंग वाली। अच्छा, लोडिंग, इसमें ये तो बड़ा खतरनाक काम भी होता है। इतना नहीं है
चेकिंग वगैरह होती है? नहीं नहीं, ये फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा, फ्रूट का काम करते हैं। मुझे बताएं अभी बागे जिना कैसे आना हुआ आपका? वैसे चक्कर के लिए आए। कैसा लग रहा है लाहौर आकर? लाहौर तो लाहौर ही है। लाहौर लाहौर है। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक पेशावर से। पेशावर से है। पेशावर के लोग मैंने देखा है बड़ा गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं पठान हजरात। नहीं, गुस्सा तो नहीं करते, वैसे जो गलत बात पे हर किसी को गुस्सा आता है। गलत बात बर्दाश्त नहीं करते? नहीं करते। नो, बर्दाश्त ही तो फायदा होता है। नो, ऐसा है ना कि जो बात बर्दाश्त होता है वो बर्दाश्त कर लेते, जो बर्दाश्त से बाहर होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया होगा? मुझे अब तक गुस्सा नहीं आया। नहीं आया गुस्सा? ये कैसे हो सकता है, पठान है और आपको गुस्सा ना आए? सबर करते हैं। तो आपके जो हमारे यंग पठान हैं, अभी नए नए बच्चे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो पठानों के नहीं, पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम दूंगा कि अपनी अखलाकियात सीधे करो, बस अखलाकियात से फ़ायदा उठाओ। अच्छा, अभी इस वक्त बागे जिना आए हुए हैं, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन के टाइम मुरझा जाता है और रात में खिल जाता है? सॉरी, कभी आपने फूल दिया किसी को? कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया? ये क्या बात हुई, फूल देना तो बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छी बात होती है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आपको कभी किसी ने दिया? मुझे भी किसी ने नहीं दिया। ये तो एक उदास वाली बात होगी, उदासी वाली। अच्छा बताएं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? और बस लव पाकिस्तान और पीपल पाकिस्तान, आई लव यू। बस थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया और यंगस्टर्स के लिए भी दिया कि अखलाकियात का जो है वो ख्याल रखें। सवाल का जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल करते हैं जो हमारे आज के दो सवाल हैं कि गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं और वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में मुरझा जाता है और रात में खिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन अली। एहसन, आप क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, बताना चाहेंगे कौन सा बिज़नेस? जी मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑन करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। आजकल जो है वो यंगस्टर्स यही कर रहे हैं, डिजिटल की तरफ आ गए हैं। हाँ जी, आना भी चाहिए वक्त के साथ। कितना बेनिफिट है इसमें? ये तो बहुत जनरल सा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी फुलफिलमेंट होती है, आपकी हायरिंग होती है, आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी लीडरशिप होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं हम पढ़ाई करें, ग्रेजुएट हों और हम 10 दिन में जो है ना वो लाखों कमाने लग जाएं। उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम है कि एक रिश्ता होता है उस्ताद और शागिर्द का। वो क्या होता है कि उस्ताद पहले सबक देता है, बाद में इम्तिहान लेता है। एक रिश्ता होता है ज़िंदगी का और आपका। ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है, बाद में सबक देती है। तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, आपको जो है वो ज़िंदगी के मामलों से गुजर के ही चीज़ें समझ आती हैं और इतना खुशी नहीं सिखाती जितना इंसान को दुख सिखाता है। तो मेरे ख्याल से इंसान को इन चीज़ों से गुजरना चाहिए ताकि वो मैच्योर बन के मज़ीद सामने आए। दुखी लग रहे हैं आप? नहीं, दुखी लगने से नहीं कुछ होता, दुखी होने या खुश होने से होता है। और ये चॉइस होती है कि आप खुश रहें या। ये बात सच है कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत हंसते हैं मुस्कुराते हैं वो अंदर से बड़ा दुखी होते हैं? पता नहीं, वैसे इस पे गाना है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या कम है जो छुपा रहे हो। अरे अरे क्या बात, ज़बरदस्त। आप गाना गा लेते हैं? हाँ जी मैं गा लेता हूँ। कुछ गुनगुनाए ना। ये ले माइक आपके हाथ में है। महक उठे हैं फूल चुरा कर, रंग तेरे गालों का, काली घटा ने जाम पिया है तेरे दो अधरों का। ऐ मेरी हसीन गजल, महका तेरा चल मेरी जाने गजल, जाने गजल, जाने गजल, चल चल। थिंकिंग चो मूसा बोलदा ए आउटलुक चो बोले, कंडे डानी असी मौत दी वेट च जूने आ, साडा लिविंग स्टाइल ए टेडा नी, बस डाना बोटी कज देनी सीधा हिक्कां दे विच, वज देनी असी बुक देनी सिर गैरां दे हो मारी जट दी हिंड कुरे मेरा टिब्बियां दे विच, पिंड कुरे मुंडे फैने उठ दे शहरां दे अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी निकली।
जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए आपने हैंड्स फ्री गाने सुनते रहते हैं? हाँ जी, गाने भी सुनता रहता हूँ और कभी कभार सुनाता भी रहता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है बहुत फरमाइश करते होंगे लोग आपसे। सिंगर कौन सा पसंद है आपको पर्सनली? मुझे पर्सनली जो एआर रहमान पसंद है, नुसरत फ़तेह अली खान जो हैं वो पसंद हैं, और वेस्टर्न उनका ही गाना है वो जो ब्रेथलेस है, एआर रहमान का गाना है? नहीं नहीं, वो शंकर का है। अच्छा, वो कभी आपने ट्राई किए? नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं ब्रेथलेस हूँ नहीं। अरे बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। नहीं, ये तो बुरा काम है, आप मुझे सही बता रहे हैं। मैं यही बता रही हूँ आपको, मैंने भी आपको टॉन्ट ही की है। तंज कर रही हैं आप? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे मैं हुआ नहीं तंज, लेकिन क्योंकि वो बुरा काम है ना इसलिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चले, मुझे ये बताएं कि सवाल का जवाब, सवाल मैंने आपसे पूछ लिया? हाँ जी, आप उस वक्त से सवाल ही पूछ रही हैं। मेरा सवाल करना आपको बुरा लग रहा है? ये तो आप कह रही हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सवाल कर रही हैं। आपको क्या अच्छा लगता है बताएं, हम वो कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे माशाल्लाह ये इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और इतना अच्छा माहौल है। अच्छा बताएं, कोई और पैगाम आप देना चाहें आज की, कोई अच्छी बात? जी जी, ये देना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना वो दो दिन की है, एक दिन आपके हक़ में है, एक दिन आपके ख़िलाफ़ है। जिस दिन आपके हक़ में हो उस दिन गुरूर ना करें, और जिस दिन आपके ख़िलाफ़ हो उस दिन सब्र करें। क्या बात है, मतलब हर जगह सब्र ही है। सब्र करना अक्लमंद का पेशवा है, अगर नहीं करता तो आखिर में उसे भी यही करना पड़ता है। लगता है कहीं आप राइटर तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं तालिबे इल्म हूँ। तालिबे इल्म है, आपको पढ़ने का शौक है? जी जी, मैं असल में बिज़नेस करता हूँ, क्योंकि मैं लीडरशिप पोजीशन पे हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की और चीज़ों की सीखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि दे कैन लुक अप टू समवन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और गाने इन्होंने बड़े ज़बरदस्त गाए और साथ साथ उन्होंने पैगाम भी दिए, बड़े अच्छे अच्छे कोट्स भी सुनाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राशिद अली। राशिद, आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, FG मॉडल पब्लिक स्कूल में, FG गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से जॉब करता हूँ। अच्छा, बताएं मुझे अभी यहाँ पर आप क्या करने आए हैं बागे जनाब? हम बच्चों के साथ आए थे, उनको व्यू करवाने। अपने बच्चों के साथ? जी, भांजियाँ आई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अपने बच्चे हैं? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड हैं, कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? एजुकेटेड हो, अच्छी हो, बड़ों का एहतराम करने वाली हो, बस। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं हफ्जाबाद से ताल्लुक। हफ्जाबाद से? अच्छा, मुझे बताएं कुछ शहर ऐसे होते हैं ना, शहर क्या ख़ानदान, लाहौर के भी लोग ऐसे ही होते हैं, माएँ हमारी कहती हैं कि खाला दी कुड़ी नाल ब्याह कर लें, अब्बू कहते हैं चाचा दी ताया दी कुड़ी नाल ब्याह कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे? और लड़के बड़े होके कहते हैं नहीं, फैमिली में शादी नहीं करूँगा। नहीं, जहाँ अम्मी अब्बू का है उनका फर्स्ट रक, फर्स्ट हक उनका है, जहाँ कहेंगे पहले तो उनकी मानेंगे, जहाँ पे वो कहेंगे। तो फैमिली में करेंगे या बाहर करेंगे? जहाँ पे उनका दिल करेगा, जहाँ उनका दिल करेगा। लेकिन आप, आपकी अपनी भी तो कोई चॉइस होगी ना, आपकी अपनी भी तो कोई पसंद होगी? नहीं, चॉइस अपनी 4 साल 3 साल 2 साल बस इतनी होती है, उसके बाद लड़ाइयाँ। जो उनकी चॉइस होती है वो बहुत आगे की सोच के करते हैं, इसलिए उनका जो होता है वो बेस्ट। अच्छा, यानी कि जो माँ बाप सोचते हैं वो सही है। मुझे लगता है ताज़ा ताज़ा आपका ब्रेकअप हुआ। नहीं ब्रेक, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता। अच्छा। ना ही मैं इन कामों में पढ़ता हूँ। हाँ, इन कामों में पढ़ते हो ना, बिलीव करते हैं। अच्छा बताइए मुझे, वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन के टाइम मुरझा जाता है और रात में खिल जाता है? नहीं, कोई नहीं यार। चले, गुलाब का फूल दिया है कभी आपने किसी को? हाँ, दिया है, अपनी सिस्टर को दिया है, अपनी भांजियों को देता हूँ। वेरी नाइस। तो गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं? गुलाब की फूल की किस्में मैंने 8 से 9 देखी हैं, वाइट, पिंक, येलो, नो, और रेड तो ऑलरेडी है, ब्लैक में भी देखा है। ये तो मैंने खुद देखी हैं और इनको मैंने खरीदा भी हुआ है। खरीदा भी हुआ है आपने? कभी किसी ने आपको फूल दिया? हाँ, देते हैं, सारे फैमिली में देते हैं। वैसे किसी स्पेशल बंदे ने फूल नहीं भेजा? नहीं, स्पेशल हमने रखे नहीं, इसलिए लेते भी नहीं। ये तो इस बात से भी भाग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई स्पेशल नहीं, शादी ही करेंगे डायरेक्ट, है ना? इंशाल्लाह। कोई पैगाम और देना चाहते हैं? जी, देना चाहता हूँ, क्यों नहीं, हम अपनी इन स्पेशल जगहों को विजिट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताना चाहिए कि ये हमारी यादगार जगह हैं और इनका विजिट उनके लिए लाजमी है, ताकि उनको भी कल के लिए आने के लिए पता हो कि हम यहाँ पर कैसे आए, इन चीज़ों को हमारे बारे में और हमारे बुज़ुर्गों के बारे में और इन जगहों की हिस्ट्री के बारे में उनको मालूम होना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए पहले से।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई गाना वगैरह गाना चाहेंगे? नहीं, गाना नहीं आता हमें। नात नहीं, गाना वगैरह? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू व्यूअर्स, आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना था कि ऐसी प्लेसेस पर आप ज़रूर आएं, ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और इसके बारे में आके पढ़े भी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपको अच्छा भी लगेगा घर से बाहर निकलें। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर म्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान लौरियां। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो और मैं हाजिर हूँ आपके साथ दोबारा। हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे गए थे, हमने कहा जल्दी से हम प्रोग्राम को दोबारा शुरू करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? मियाँ मोहम्मद हफीज। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे बागेजना में आता हूँ अपनी सैर वगैरह करने, घूमने फिरने। अच्छा, तो आप यानी कि अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के बच्चे तो जो है वो मोबाइलों से निकलते नहीं है, बाहर आते नहीं है, उनके लिए क्या पैगाम है? बच्चों के लिए मोबाइल का अल्लाह का वास्ता, अपने दिमाग को ईजी रखें, मोबाइल से जान छुड़ाएं और अपनी निगाहें और दिमाग को साफ सुथरा रखें। पार्क में आने का असल मकसद ये है कि यहाँ की खूबसूरती देखी जाए। अगर आपने यहाँ के मोबाइल ही देखने हैं, मोबाइल ही खेलने हैं, तो आपको पार्क में आने का कोई फायदा नहीं है। तो आप कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 40 से 45 साल हो गए। बागेजना में? बागेजना में। तो इसकी आपको हिस्ट्री वगैरह पता है? बिल्कुल पता मुझे। बताएं कुछ बागेजना के बारे में। इसका नाम लॉरेंस गार्डन भी है ना? ये लॉरेंस गार्डन एक अंग्रेज का नाम था जिसने इसको बनाया। ठीक है, लॉरेंस नाम था उसका। और वो जब सबसे पहले ये जब आए हैं यहाँ पे, इन्होंने वो गोरा कब्रिस्तान पीर मक्की के पास है ये, उन्होंने पार्क वहाँ बनाया था। अच्छा। वहाँ रावी का पानी आ गया सोन बहादुरों में, वो पार्क ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने ये जगह मजांग के हराइयों से खरीदी, खरीद के फिर उन्होंने इस पार्क को बनाया। ये आपके सामने जो कायदे आजम लाइब्रेरी है जो अब बनी हुई है, ये उनका अपना एक बैठने का प्रोग्राम था बाहर, इस यहाँ जगह, इस जगह पर म्यूज़िक होता था, अंदर वो बैठ करते। और इसके साथ ही ये मशरक की तरफ एक घर था लॉरेंस की बीवी का। अच्छा। जिसने इसको डेवलप किया था। अच्छा। ये उसके नाम से रखा गया लॉरेंस गार्डन। जब पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान को मिला, उस वक्त इसका नाम जिना पार्क हो गया, यानी कायद आजम के नाम से इसको मखसूस किया गया। अच्छा। उस वक्त का ये चल रहा है 1980-81-82 में ये कायद आजम लाइब्रेरी का नाम रखा गया ज़ियाउल्लाह साहब ने, जो हम पाकिस्तान आर्मी चीफ होते थे, उन्होंने इसका नाम रखा था कायद आजम लाइब्रेरी। इसमें हर किस्म की किताबें, हर मज़हब की किताबें इसके अंदर है। जिस बच्चों ने तलीम हासिल करनी या उसको स्टडी करने हैं, वो अपनी एंट्री यहाँ पे जमा कराए और कम से कम बच्चे ने मास्टर किया हो, वो इसमें दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं हो सकते? उससे पहले इसमें दाखिल नहीं हो सकते, ना दाखिला मिल सकता है। अच्छा, तो आप कभी इस लाइब्रेरी के अंदर गए? हाँ जी, मैं कई दफ़ा गया हूँ। इस बार इसलिए कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो आदमी हैं, जो इनके इंचार्ज हैं, वो मुझे जानते हैं। तो अगर वैसे लाइब्रेरी में वैसी लाइब्रेरी को देखना हो, विजिट करना हो, तो उसका क्या तरीकाकार है? तरीकाकार है, आपने वहाँ से परमिशन लेनी है, वो आपको टाइम बताएंगे, उस टाइम के ऊपर आप जाएंगे, फिर वो इजाज़त देंगे, फिर वो आप अंदर जाके लाइब्रेरी को देख सकते हैं। ठीक है, चले हमारा सवाल है आज का फूलों से रिलेटेड है कि वो कौन, गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं? गुलाब के फूल की किस्में हैं तकरीबन 95। जी अच्छा। इसमें कुछ फूल हैं जो जैनमन जिसे कहते हैं आप देसी। अच्छा। इसमें कोई फूल हैं जो फार्मी होते हैं, फार्मी फूल। एक फूल गुलाब का इतना जो 2 फुट चौड़ा हो जाता है। अच्छा। इतना बड़ा भी ये साथ ही बागेजना के अंदर ये मस्जिद के पास वो पार्क है, वहाँ पर वो लगे हुए हैं। जो देसी फूल हैं वो 6 किस्म के हैं, जिसमें आप जैसे आजकल जो ये पानों सिकटों वाले बेचते नहीं हैं, वो कहते हैं उसमें वो डालते हैं पान की पत्तियाँ वगैरह। अच्छा। जैसे वो लोग ये देसी फूल की बनती है। अच्छा, वो जो फूल फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं शादियों वगैरह में, वो कौन सा गुलाब का फूल है? गुलाब का फूल नंबर 3 है।
अच्छा। उसकी प्योंद होती है वो आदमी लेते हैं, जो कब्रों में भी डलते हैं, दरबारों में भी जाते हैं, लोग शादियों में भी इस्तेमाल करते हैं, जलसे जुलूसों में इस्तेमाल, वो फूल होते हैं जो प्योर, वो सस्ता फूल होता है, वो सही से इजीली बन जाता है, मतलब वो होता है, उसकी पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा, नेचुरली या फार्मी? नेचुरली, नेचुरली उसका बीज ऐसा है, उसकी प्योंद ही ऐसी है कि वो आपको ज़्यादा, अब इसमें किस्में मैंने 95% बताई हैं आपने, जिसमें गैंडा, सूरजमुखी है, गेंडे का फूल, गेंडे के 6 किस्में हैं। अच्छा। गेंडे की। हाँ। अब एक ये 2 किस्में तो उतर गई हैं, 3 लगी हुई हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ये सूरजमुखी फूल है, फिर इसके बाद चमेली के फूल हैं, गुलाब की 8, 9, 10। अच्छा, एक और सवाल याद आ गया कि वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में मुरझा जाता है रात में खिल जाता है? दिन को मुरझा जाता है और रात में खिल जाता है? रात को खिल जाता है। इसमें 3 किस्म के फूल हैं। अच्छा। एक फूल निकलता है जो इसे आप कहते हैं जैतून के तेल का। अच्छा। जैतून का फूल जो है ना वो रात को खिलता है। अच्छा। सुबह उसकी पत्ती सूरज बढ़ता है वो बंद हो जाती है। अच्छा। फिर रात को एक फूल, एक है एक फूल और है वो उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी रात को खिलता है, सुबह नहीं खिलता। अच्छा, ठीक है। और कोई आप पैगाम देना चाहते हैं, कोई दिल से आप कोई बात बताना चाहते हैं? मैं दिल से ये बात बताना चाहता हूँ, ये पार्क में आने का एक मकसद जो है ना वो अपनी सलाह करनी है, पार्क में अपनी खुशबू छोड़ो आके अच्छी तरीके से। ये नहीं आप पार्क में आए तो एक नुक्कड़ में बैठ के मोबाइल खेल रहे हैं, किसी को हूटिंग कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना। पार्क में आए अच्छे तरीके से, फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, घूमें फिरें और इसको अपनी एक तफरी के लिए इसे बनाएं, इसे अपने लिए मुश्किल पैदा ना करें कि मैं पार्क में आ गया हूँ तो मैं अब सब लोगों को ऐसे ऐसे करूँ, नहीं। एक आजकल तो मैंने अक्सर यहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं, वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बजाय इसके कि सुकून से बैठे, पीस लें, माहौल को देखें। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मोबाइल जो है वो आपके पीस की वो जड़ बन चुकी हुई है। आपने कभी सुना है कि वो कुछ आदमी कहते हैं यार अपने मुँह से मियाँ मिठू, मैं अपनी फ़ोटो उतारूँगा मुँह उल्टा करके सीधा करके, मेरी आएगी, किसी और को देखें, उसका मुंह देखे, अगर मैं करूंगा मेरी आएगी तो मैं उतारता जाऊं सारा दिन, मैं तो अपने आप को परेशान करना है ना। मैंने मोबाइल को परेशान नहीं कर रहा, मैं अपनी आदत परेशान कर रहा हूं कि मैं पार्क में आऊं, मैं फ़ोटो आऊँ तो यहाँ नेचुरल देखें, दरख्तों को देखें, यहाँ ऐसे ऐसे पौधे हैं जो इंसान के सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें उसका नहीं, इन नौजवान को नहीं पता। अच्छा, कुछ पौधे, क्योंकि इतनी ये बात हो रही है, कुछ मैंने देखा है दरख्त भी ऐसे हैं कि जिस, वो कौन सा ऐसा मेरा ख्याल है दरख्त है जिसका सालन भी बनता होता है उसका, उसे कहते हैं खटल, खटल 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 खटल, इतना बड़ा हो जाता है तकरीबन, उसका सालन भी बनता है। अच्छा। और वो वैसे भी खाया जाता है। अच्छा। जैसे आप कभी अलीची खाई है? अलीची, अलीची खाई, अलीची जैसा, अलीची, हाँ। अलीची, हाँ। उसके वो अलीची जैसा उसके अंदर एक फल होता है। अच्छा। वो खटल को तोड़ो, वो जब पक जाए तो वो खाते हो, शहद की तरह मीठा होता है। अच्छा। और उसका सालन भी बढ़ता है, और ये सालन उर्दू स्पीकिंग औरतें जो है ना वो ज्यादा बनाती हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें की, एक सवाल, दो सवाल मैंने इनसे किए, जवाब जो मैंने निकाले हैं वो तो जवाब नहीं है, लेकिन देखते हैं हमारे क्या जवाब होते हैं, वो आखिर में बताऊंगी। चलते बढ़ते और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस साकिब अली। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और आपका? जैनब अली। जैनब, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वन क्लास में। जैनब क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? फौजी डॉक्टर। फौजी और डॉक्टर? अच्छा, फौजी डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो ये जैनब की सोच किसने डाली है, खुद से? खुद से कहती। आप दोनों बच्चे आपके? जी। आप क्या चाहती हैं कि दोनों बच्चे क्या बने? मैं यही चाहती हूँ जो ये सोचते हैं अपने शौक से पढ़ें और अपने शौक से बने। जी। आपने बच्चों पे छोड़ा? हाँ जी, बच्चों पे छोड़ा हुआ है, बाकी जहाँ इन्हें गाइडेंस चाहिए होगी वहाँ तो देनी पड़ेगी पेरेंट्स को। तो आप अभी फैमिली के साथ आई हुई हैं? हाँ जी, हम फैमिली। आगे जिना आके कैसा लग रहा है? बच्चे यकीनन क्वेश्चंस करते होंगे। हाँ। तो क्या बताया आपने बच्चों को इस बाग के बारे में? मैंने इन्हें बताया यहाँ कायदे आजम लाइब्रेरी है, फिर ये इतना बड़ा पार्क है, आप इंजॉय करोगे, तो इनके एग्जाम खत्म हुए हैं तो फिर मैं बच्चों को इंजॉय कराने के लिए। एग्जाम्स की तैयारी खुद करवाई थी आपने? नहीं, ट्यूशन जाते हैं। आपने भी कहा कि जाएं ट्यूशन, जाएं पढ़ते हैं। मुझे बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं? बैंक क्यों चूज़ करना चाहते हैं आप? बहुत सारे बिजनेस भी पढ़े हुए हैं, बिजनेस कर लीजिएगा।
अच्छा मेरा मशवरा सुन रहे हूँ, बताएं मुझे कि दोनों आप क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगी? जैनब मैं पार्क के बारे में, पार्क के बारे में बताएंगी। जी बताएं, कैसा लगा आपको पार्क में आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या किया आपने, क्या क्या खाया है, क्या गेम्स खेली हैं? मैंने चीज़ें खाई है, मैक्रोनी खाई है और झूले लिए हैं। ठीक है, मैक्रोनी मामा ने बनाई थी? यस। अच्छा, वेरी गुड। आप मामा के साथ कोई किचन में हेल्प करवाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें? यस। क्या करवाती हैं? बर्तन रखने में। बर्तन रखने में? तो कभी आपसे बर्तन टूटे भी हैं? अच्छी बच्ची हैं। वैसे हमारे घर में बर्तन टूट जाता था, मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। आपको कोई अपना बचपन का वाक्य याद है? हाँ जी, मैं, मुझे लगता है आप भी इस पार्क में यकीनन आई होंगी अपने बचपन में। हाँ जी आए हुए हैं। मैं एक दफ़ा 6th क्लास में थी, मेरे से शीशे का जग टूट गया था। फिर क्या हुआ? मैंने छुपा दिया उसको। मामा को 2 हफ्तों बाद पता चला जग गायब है, किधर है। तो आपने जब उसको उठाया, अक्सर ये होता है कि आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें आपके हाथ पे लग ही जाता है शीशा। हाँ जी लग तो जाता है, लेकिन मैं बड़ी एहतियात से छुपाया था, शामत आ जानी थी ना। अम्मी, अम्मियों को जो है ना वो अपने जहेज के बर्तनों से बहुत प्यार होता है और वो ये कभी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्या शेयर करेंगे, कुछ सुनाएंगे, तिलावत सुनाएंगे? इसने माशाल्लाह 5 दफ़ा कुरान मजीद मुकम्मल किया हुआ है। मुकम्मल किया है, अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, सुनाएं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا نَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। ये इंटरव्यू सिर्फ जैनब की वजह से हम आए हैं इतनी दूर से। ये पहले कंटीन पे आई हैं, इन्होंने कहा है जी मैंने तो देना इंटरव्यू, चलो मेरे साथ। क्या बात है जैनब, आप मुझे बताएं आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मीना आमिर। मीना आमिर, मीना आपको अच्छी लगती है? यस। मीना में आपको क्या बात अच्छी लगती है? वह दूसरों की मदद करती है। और आप दूसरों की हेल्प करती हैं? यस। वेरी गुड। आप उसके साथ शेयरिंग करती हैं? यस। आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आज इसकी पार्टी थी, टर्म खत्म हो गया ना अब नई क्लासेस का, आज इसकी पार्टी थी और आज ही ये पार्क आई है। एंजॉय, जबरदस्त। हमारा आज का सवाल है, चूँकि आप पार्क आए हैं तो फूलों से रिलेटेड सवाल है, वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में मुरझा जाता है रात में खिल जाता है? नो आइडिया। आपको पता है, वो तुक्का मार लें। गुलाब का फूल? No! नहीं, गुलाब का फूल तो इतना प्यारा होता है। आपने कभी किसी को गुलाब का फूल दिया? मामा को दिया है गुलाब? मामा को दिया है। और टीचर को? रात को? टीचर को नहीं देते। रात को खिल जाता है। रात की रानी? रात। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं? नहीं, मैं इनकी फुप्पो के साथ आई हूँ। फुप्पो, चलें, ये भी फुप्पो अच्छी है। यस, वेरी गुड। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई ज्यादा ज्यादा पैगाम देंगी आप? हाँ जी, पार्क की सफाई का ख्याल रखना चाहिए सबको। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चों ने तिलावत सुनाई और सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिल सका, लेकिन कोई बात नहीं व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी बाग जनाह, जिसे लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता है। कायद आज़म लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक के लिए, आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन खुदारा जो लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पर टिकटॉक बनाने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, वो ना करें, इस माहौल को इन्जॉय करें। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर, फैमिलीज आती हैं और उनसे आज जो फैमिलीज आई उनसे हमने किए बहुत सारी बातें, सवालात भी किए। आज के जो 2 सवालात थे हमारे वो ये थे कि वो कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में मुरझा जाता है रात में खिल जाता है, तो वो है चमेली का फूल। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि गुलाब के फूल की कितनी किस्में हैं, तो उसका सही जवाब है 50, जहाँ तक हमने रिसर्च की है।
आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।